यस बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती, हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई से, जो हमने दूसरी इकाई से पाठ 6 तक किया था, अभी उसका आगे वाला पाठ क्रमांक 7, जिसका नाम है महिला आश्रम। तो आज हम ये पाठ करने वाले महिला आश्रम दूसरी इकाई से। महिला आश्रम, आश्रम बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र मैंने स्क्रीन पर आपके साथ किया है, वृद्ध आश्रम है, बालक आश्रम है, और यहाँ पर महिला आश्रम है। ऐसे अलग अलग प्रकार के आश्रम है। तो आज हम महिला आश्रम पाठ, जो उसके लेखक है काका कालेलकर, तो अभी हम महिला आश्रम पाठ आगे बढ़ते हैं। महिला आश्रम, इसके लेखक है काका कालेलकर। अभी हम काका कालेलकर के बारे में उनके परिचय जान लेते हैं। काका कालेलकर जी का जन्म 1 दिसंबर सन 1885 सातारा महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी मृत्यु 21 अगस्त सन 1981 नई दिल्ली में। परिचय, अभी जो लेखक काका कालेकर है उनके बारे में, मतलब उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में हम देखते हैं। तो काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बाल कृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। तो देखो, काका कालेकर विख्यात यानी प्रसिद्ध, उनका नाम क्या है, पूरा नाम दत्तात्रेय बाल कृष्ण कालेकर, जिन्होंने हिंदी भाषा, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में उन्होंने समान लेखन का क्या, समान रूप दिया। मतलब चाहे वो हिंदी होने दो या गुजराती होने दो, मराठी, अंग्रेजी, हर भाषा को उन्होंने समान रूप इसमें दिया, लेखन कार्य में। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार थे। तो काका कालेलकर जी ये राष्ट्रभाषा हिंदी, उसके मतलब प्रचार, लोक प्रसिद्धि के लिए उन्होंने सोचा कि ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसीलिए उन्होंने उसको बहुत ही महत्व, उच्च कोटि का महत्व देकर उन्होंने उसके ऊपर वैचारिक निबंध लिखे। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। तो विभिन्न विषय मैंने अलग अलग विषयों पर उन्होंने क्या लिखे थे, व्याख्या लिखी थी, लेकिन वो भी कैसे थे, तर्कपूर्ण यानी निपुण, पूरी तरह से निपुण, लॉजिकल जम उसे कहते, उनको लेखन शैली में विशेष गुण दिया था। उसी तरह उन्होंने, काका जी ने, इनकी लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, उसमें से जिनमें अधिकांश का अनेक भारतीय भाषाओं में क्या किया था उन्होंने, अनुवाद किया था। तो ये था, यहाँ पर हमने काका कालेलकर जी का परिचय देखा। अभी उन्होंने कुछ है ना प्रमुख कृतियां की है, तो प्रमुख कृतियां देखिए, हिंदी, राष्ट्रीय शिक्षा के आदेशों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, देखो जीवन संस्कृति की बुनियाद, ये भी पुस्तक काका कालेल जी का लिखा हुआ है। उसके बाद नक्षत्र माला, और ये भी उन्होंने लिखे हुए कुछ यहाँ पर प्रमुख कृतियां आपके सामने सादर की है। स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित आदि उन्होंने कुछ प्रमुख कृतियां यहाँ पर लिखी हुई है। अभी आगे हम बढ़ते हैं पाठ की तरफ। तो यहाँ पर जो महिला आश्रम है, उस आश्रम के बारे में काका कालेकर को वो आश्रम कैसा बनाना था, एक आदर्श महिला आश्रम। आदर्श मतलब हम कहेंगे एक आइडियल, मतलब वो बोलते ही कि देखो ये एक आश्रम है, मतलब आदर्श, जैसे नाम देखते ही पता चलना चाहिए कि यहाँ पर महिला सुख सुखी से रह सकती है, उनको कोई भी चीजों का प्रॉब्लम नहीं, उनको हर चीजों में होशियार किया जाएगा। तो इसीलिए काका कालेलकर जी को आश्रम कैसा बनाना था, एक आदर्श महिला आश्रम। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि गद्य संबंध के बारे में, तो महिला आश्रम जो है उसके बारे में काका कालेकर जी क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चित्र में आश्रम दिखाया गया और गद्य संबंधी। प्रस्तुत पाठ
पत्र विधा में लिखा गया है। तो देखो, हमने इसके पहले जो किया था, हम उस धरती की संतति है, उसका विधा क्या था? कव्वाली था। तो अभी ये जो महिला आश्रम है ना, इसका विधा क्या बताया? पत्र। तो ये विधा यानी हम टाइप बोलते ना, तो उन्होंने ये पाठ हमको पत्र द्वारा बताया गया है, समझाया गया है। प्रस्तुत पत्र में काका कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। तो ये पाठ में कालेलकर जी ने बताया है कि जो उन्हें आदर्श महिला आश्रम बनाना है, उसके लिए उनको क्या करना है, कि उसकी स्थापना कैसी होनी चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मतलब कभी स्थापना किया जाएगा। देखो, हम जब प्लानिंग वगैरह करते हैं, कोई भी चीज होने दो, जब प्लानिंग करते हैं वो प्री प्लान होता है, तो वो काम आसानी से और सही ढंग से होता है और उसे हम एक अच्छा रूप दे सकते हैं। तो उसी तरह उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, फिर नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन आदि चीजों के बारे में उन्होंने डिटेल, विस्तृत यानी डिटेल जानकारी दी है। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। अभी ये पत्र से हमें, हमारे में क्या है, महिला द्वारा यानी संबंध, आपके विचार यानी तुम क्या विचार, महिला के बारे में क्या विचार करते, कि महिलाओं को हमें कैसे उनको कितना सम्मान सम्मान देना है, उनको कैसे संभालना है, उनकी देखभाल कैसी, ये दिखाई पड़ती है। फिर उसके बाद प्रकृति जो नेचर है उसके प्रति प्रेम, फिर बाद में प्रेम, सामाजिक लगाव, सामाजिक लगाव भी होना चाहिए कि सोशल एक्टिविटी में भी हमें इन्वॉल्व होना है, ये पाठ के द्वारा काका काले जी को बताना है। अभी इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सामाजिक कार्यक्रमों में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। देखो, अभी ये जो पाठ है महिला आश्रम, इस पाठ में कालेलकर जी ने हमें क्या किया है कि समाज में जो भी कार्य है उसमें हमें भी क्या होना है, योगदान, हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सिर्फ हमें ये नहीं है कि हम सिर्फ हमारे तक ही सोचते रहे, हमारे तक ही सीमित रखे, हमें हमारे समाज में बहुत सारे दुख पीड़ित लोग हैं, हर एक क्षेत्र में अगर हम अपना थोड़ा कुछ योगदान, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा कुछ अपने से जो हो सके योगदान अगर हम करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। तो इसमें से लेखक को ये भी बताना है कि समाज कार्य में अपना भी थोड़ा योगदान करना है। तो चलो, अभी हम पाठ की तरफ चलते हैं, काका कालेलकर ने जो पत्र द्वारा इसमें समझाया है। प्रिय सरोज, देखो अभी ये जो महिला आश्रम, लेसन के नाम से ही हम जान लेते हैं, क्योंकि उससे ही पता चलता है इसमें क्या होगा। तो महिला आश्रम मतलब क्या, ये एक आश्रम है जहां पर दुख पीड़ित महिला आती है, कभी कोई परिवार से या कोई संकट में या कोई कारणों के वजह से उनको आश्रम में आना पड़ता है। तो यहाँ पर कालेकर जी अपने बहन को, जो मुंह बोली बहन सरोज, उसको पत्र लिख के कह रहे हैं कि कैसा आश्रम स्थापना करना है। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। हाँ, अभी यहाँ पर सरोज, ये उनकी मुंह बोली बहन है, तो वो सरोज को पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिख के वो कहना चाहते हैं कि आश्रम कैसा होना चाहिए। तो अगर हमें कोई कल्पना देता है, तो कल्पना यानी इमेजिनेशन, या हमें थोड़ी आइडिया देती है, तो हमें पता चलता है कि हमें वो चीज को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे तरीके से उसको मैनेज करना है। तो कालेलकर जी ने भी यही सोचा कि अगर मैंने अपनी बहन को थोड़ी आइडिया या कल्पना दी तो उसको सोचने में बहुत मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो, उस आश्रम का विज्ञान अखबार में नहीं दिया जाए। अभी आश्रम का मतलब होता है होम, यानी एक घर के जैसा ही है। तो हमारा घर कैसा होता है कि हमारे घर में हम कैसे सुख समृद्ध रहते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं रहता है, तो यहाँ पर महिला आश्रम भी ऐसा ही होने चाहिए कि उनको लगना चाहिए ये हमारा एक घर की तरह है। फिर बाद में व्यवस्था में या संचालन, तो संचालन का मतलब है जो चलाता है ना, या ऑपरेशन करता है या इसको हैंडल करता है, तो उसमें
किसी पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए, यानी इसमें जेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये आश्रम है महिलाओं के लिए। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर जो भी कार्य होगा इस कार्य में महिला ही इन्वॉल्व रहेंगे। और ये जो आश्रम है इसका कहीं पर विज्ञापन अखबारों में हमें नहीं इश्तियार देना है, बल्कि लोग खुद ब खुद ही यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर कालेकर जी अपने बहन को ये भी पत्र द्वारा कह रहे हैं कि हमें इसका कहीं पर अखबारों में विज्ञापन इश्तियार जाहिर नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना। तो यहाँ पर कालेकर जी कहते हैं कि हम ये जो आदर्श महिला आश्रम जो स्थापन करने वाले है, इसके लिए हमें कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे या कोई मदद नहीं, बल्कि सामने से ही हमें इन चीजों की मदद हो जाएगी। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आएगी। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पर काका कालेलकर जी लिख रहे हैं अपने बहन को कि अपने यहाँ पर जो भी आएगी वो अपना क्या करेगी, खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके आएगी। मतलब ऐसे मैनेज कर सकती है उन महिला अपना खाना पीना या कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके मैनेज करके आए। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई महिला गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाला कोई खर्च, देखो कभी कभी ऐसे होता है ना कि गरीब महिला होती है तो लोग बोलते हैं कि नहीं इसका जो भी खर्चा रहेगा या जो भी पैसे लगेंगे या खाना लता या दवाई जो भी रहेगा उसकी मदद मैं करूंगा। तो सिफारिश का मतलब क्या है, जो रक्षा करता है या जो रिकमेंडेशन कि ये जो महिला पीड़ित है इसका कोई नहीं देखने वाला है तो इसको आश्रम में आप क्या कर दीजिए, इसको रहने के लिए जगह दीजिए और जो भी इसका खर्च रहेगा वो मैं उठाने के लिए तैयार है। आगे, पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। तो अभी यहाँ पर देखो जो भी महिला आती है, ये महिला आश्रम है, आश्रम यानी एक घर उनके लिए है। तो यहाँ पर जो भी महिला आती है चाहे वो पीड़ित है या कोई भी कारण के वजह से परिवार से दूर हो रही है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो अगर कोई भी महिला आती है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उसके बगैर उनको आश्रम में दाखिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर कभी भी कुछ इंसिडेंट होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऐसे वक्त में हमारे पास उस महिला की पूरी जानकारी होगी तो हम वो सामने रख के उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद में दाखिल हुई महिला जब भी चाहे वो छोड़ सकती है आश्रम। अगर उसे लगा कि वो एक महीना रह गई और उसे लगा कि यहाँ का वातावरण या मैं यहाँ पर संतुष्ट नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, मुझे जैसा चाहिए, तो वो आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो एक या तीन महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। अभी यहाँ पर काका का लेकर अपने मुंह बोली बहन को बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आश्रम में जो महिला आए अगर हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पर उसका बर्ताव बराबर नहीं है तो उस महिला को हम पहले क्या करते हैं, नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद लेकिन ये जब भी कदम हम उठाएंगे इसको पहले 10 बार हम सोचेंगे और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, स्टेप्स आगे उठाएंगे। तो पहले उनको एक या तीन महीने का हमें नोटिस देना पड़ता है। हमें लगा कि ये महिला यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यहाँ पर वो बहुत ही माहौल खराब कर रही है, तो हम उन्हें एक या तीन महीने का नोटिस दे के निकाल सकते, लेकिन वो सोच समझ कर ये हमें करना है। अभी आगे पत्र में क्या लिखते देखो, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखो, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य। तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है तो आश्रम में बहुत सारे महिला और अलग अलग धर्म के, तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हम किसी को नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक धर्म से चिपका है, सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर आश्रम में क्या है, जगह है। सभी धर्म आश्रम को क्या रहेंगे, मान्य रहेंगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म से वो महिला आती होगी तो उनको मान्य है और आश्रम में उस महिला का स्वागत होगा।
यहाँ पर जो भी महिला आएगी तो आश्रम में कैसा वातावरण देखो, सामान्य सदाचार भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण हो। तो देखो ये एक घर है, जैसे हम घर में रहते हैं ना, मिलजुल कर रहते हैं, कलह नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, एक दूसरे को समझ के लेते हैं, सब काम हम बांट कर करते हैं, है ना। तो उसी तरह आश्रम भी क्या है, एक हमारा घर की तरह ही है। तो यहाँ पर जो भी महिला आए तो उसे क्या करना है, सदाचार, सदाचार यानी अपना जो बिहेवियर है उसमें सादगी दिखानी है, फिर भक्ति वाला वातावरण, और सेवा में हर एक महिला कोई ना कोई काम में बिजी रहेगी, इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, सदाचार भक्ति तथा सेवा का वातावरण। आगे आश्रम, आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, सादगी का आग्रह होना चाहिए। तो देखो आश्रम में स्वावलंबन यानी इंडिपेंडेंट, कि वो अपना खुद का काम खुद कर सके, और अगर किसी को कुछ करना है तो वो अपने जो भी आश्रम के हेड होंगे या जो भी संचालन है उसे वो बता सकती है। तो आश्रम में क्या है, उतना ही स्वावलंबन भी होना चाहिए, साथ में उसको सादगी का आग्रह होना चाहिए। सादगी यानी सिंप्लिसिटी, कि नहीं मैं ही ये कर सकती हूँ, मेरे सिवा उसको कुछ नहीं जमेगा, वो तो ऐसे ही है, हमेशा रोते रहती है, उसको कुछ काम बोले तो यहाँ पर ऐसा वातावरण नहीं, कि स्वावलंबन हर एक को कुछ ना कुछ, वो खुद से इंडिपेंडेंट, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। और फिर सादगी होनी चाहिए हमारे में, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, एटीट्यूड नहीं। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएंगे। देखो आरंभ में पढ़ाई, अभी यहाँ पर जो महिला आते हैं वो पीड़ित रहते हैं, बहुत सारे उनके ऊपर संकट और बहुत कारणों के वजह से वो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभ में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था ना हो, लेकिन भले आगे चलकर ऐसे उद्योग, मतलब ऐसे उनको कामकाज सिखाए कि वो उसका उपयोग आगे अपने लाइफ में कर सकती है। और यहाँ पर उनको पढ़ाई जो है उसके ऊपर ज्यादा ये नहीं, मतलब पढ़ाई भी उनकी कैसी सिंपल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, और उनको ऐसा उद्योग सिखाए, ऐसा उद्योग सिखाए कि आगे जाके उसका उपयोग होना चाहिए, चाहे वो सिलाई हो, चाहे कोई संगीत में है, ऐसे अलग अलग कला में वो अपना उपयोग कर सकेंगे। आगे पढ़ाई भी आसान हो, बराबर, तो पढ़ाई भी कैसी उनकी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, जैसे हम स्कूल में करते हैं वो तरीके से नहीं, लेकिन वो कुछ तो उन्हें अपना नाम लिखने या कहीं कुछ पेपर वगैरह वो पढ़ पाए, ऐसे उनको पढ़ाई एकदम आसान तरीके से होनी चाहिए। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होना, लेकिन होगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। तो आश्रम शिक्षा संस्था यानी अगर किसी ने कुछ काम नहीं किया या वो सुनती नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इसने ये काम नहीं किया तो उसको हम पनिशमेंट करेंगे, पनिशमेंट नहीं, लेकिन वो एक अलग तरीका रहता है, हमें उसको समझा के उससे वो काम करवा लेना है। जैसे कि देखो घर पे अगर हमने अम्मी या हमारे अब्बा हमें कुछ काम बोलते हैं तो हम वो काम नहीं करते, लेकिन वो हमें कुछ अलग तरीके से समझाते हैं, और वो समझाने के बाद हम वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी किसी महिला को शिक्षा नहीं करनी है, बल्कि उसको वो काम कैसे उसे करवाया जाए वो तरीके से। तो यहाँ पर कलह, कलह यानी लड़ाई, कुड़न यानी जलना, तो ये वातावरण नहीं होना चाहिए, ये मुक्त वाला वातावरण, लड़ाई और जो जलना है यहाँ पर ऐसा वातावरण आश्रम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या रहती है, टेंशन में रहती है, बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, और मतलब उसका माइंड एकदम सेट नहीं रहता है। तो यहाँ पर आने के बाद अगर वहां पर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रही है, जलन हो रही है, ऐसा वातावरण हो तो उसके मन को शांति नहीं मिलेगी, और ऐसा हमें इस आश्रम में ऐसा माहौल नहीं रखना है। हमको इन चीजों से क्या करना है, दूर रखना है, लड़ाई जलन और ऐसा वातावरण, मानवता वातावरण हमें निर्माण करना है, जहां परेशान महिला बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। तो मैंने वही कहा ना कि अगर हमारे यहाँ पर मानवतापूर्ण जैसा इंसानियत हम बोलते हैं ना, ऐसा वातावरण की नहीं यहाँ की महिला बहुत अच्छी है, मुझे संभाल के लेते हैं, अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो मुझे उस गलती के ऊपर वो कुछ डांटते वगैरह नहीं, लेकिन मुझे समझाते कि उसे कैसे करना है। तो ऐसा अगर वातावरण रहेगा तो कोई भी महिला अपना मतलब वो काम करने के लिए डरेगी नहीं, और अपना खर्च वो खुद कर सके, फिर वो जीवन का सदुपयोग यानी सही उपयोग वो पवित्र सेवा में
लगाएगी, क्योंकि देखो जब हमें ऐसे लगता है कि यहाँ के लोग हमारे जैसे ही है, हमारे घर का हिस्सा ही हूं मैं एक, तो वहां पर हमें भी दिल खोल के ऐसे लगता है कि मैं भी क्या करूं और क्या नहीं, ये आश्रम में और सुंदरता, वातावरण और सादगी का कैसे निर्माण करेंगे, तो हमारे मन में भी वैसे ही सही पवित्र सेवा के लिए हम भी जुट जाते, लग जाते हैं। आगे, ऐसा आसान आदर्श रखो रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। फिर कालेकर जी अपने बहन को कह रहे कि देखो ऐसे किसके ऊपर प्रेशराइज नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर सब महिलाओं को एक एक काम बांट दो कि तुम्हारा ये दल है, तुमको अभी ये किचन है, तो ये किचन तुम्हें मैनेज करना है, यहाँ पर जो भी है वो तुम सब देखोगे तुम्हारे हिसाब से, अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए, कुछ क्या चाहिए, तो हम यहाँ पर जो है समिति के लोग है वो मदद करेंगे। तो हर बार अगर समिति इसमें बार बार प्रेशराइज अगर महिलाओं को नहीं करेंगी, वो उनको अपने तरीके से काम करने देंगी, तो उन्हें ऐसे लगेगा कि हमारे सर के ऊपर कोई बोझा नहीं, तो वो सुंदर तरीके से उस काम को और अच्छा कर सकेगी, उनके ऊपर ऐसा बोझा नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी होगी। तो हमें भी देखो, एक बार हमें बोल दिया कि नहीं तुम्हें ये काम करना है और आज नहीं तो 2 दिन में मुझे ये कंप्लीट करके देना है, तो ये हम ऐसे टारगेट सेट करते हैं, तो टारगेट सेट करने के बाद हमें पता है कि अभी मुझे 2 दिन के बाद ये सबमिट करना है मेरे टीचर को, तो वो हिसाब से अगर बोल के ये इतना छोड़ देते तो वो काम कैसे बराबर आसानी से होता है। लेकिन रोज बार बार पीछे पड़ेंगे, नहीं मैंने बोला था ना तुम्हें ये करना है, तो कभी बैठोगे, अभी बैठो, ये करो वो करो, ऐसे बार बार हम पीछे पड़ेंगे तो फिर उनको भी टेंशन आता है, फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो काम करने से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि नहीं वो मेरे से ये नहीं नहीं हो सकता है, फिर वो परेशानी में जाते हैं, फिर उसे ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर किसी ने बोझा रखा है। तो संस्था वाले मतलब है ना पीछे पीछे बार बार नहीं, एक बार उनको बोल दिए ना ये महिला को ये काम करना है, सौंप दिया ना, तो वो अपना जो भी टाइम दिया रहता है वो परिपूर्ण करके तुम्हारे पास दे देंगी। तो ऐसे काका का लेकर अपने बहन से बता रहे। आगे पत्र देखो क्या लिखा, आगे के पत्र, यस अभी आगे देखो, तो यहाँ पर देखो चित्र में दिखाया है कि कहीं पर भजन गा रहे तो कहीं पर कुछ महिला ऐसे काम करने में व्यस्त है। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। अभी देखो ये हमें महिला आश्रम चलाना है, तो एक ही इंसान काम नहीं करेगा, इसमें सबको मिलके आके काम करना है, कोई किचन संभालेगा, कोई फिर महिला के खर्च के बारे में जो अकाउंट है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ऐसे अलग अलग क्षेत्र अगर हम हर एक महिला को बांट के देंगे तो हमारा काम आसानी से होगा। फिर बाद में यहाँ पर ये भी बताया कि उनमें कोई तो कुशल होगी, अनुभवी, यानी ना जितने भी अभी महिला आते तो उसमें कोई ना कोई होशियार, कोई संगीत में होगा, कोई खाने में होगा, कोई बुनाई में होगा, तो कोई ना कोई अनुभवी यानी कुशल महिला होगी जिसे हम ये काम सौंप सकते हैं। आगे, बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दे। तो देखो ये जो आश्रम है, आश्रम में वातावरण कैसा होना चाहिए, एकदम सादगी का होना चाहिए, एकदम खुश वाला आनंद वातावरण होना चाहिए, तो यहाँ पर बहनों को संगीत, कभी कभी कार्यक्रम भी होना चाहिए ना, ऐसा उन्हें लगना चाहिए कि मैं बहुत ही यहाँ पर खुश हूँ, सुखी हूँ, मुझे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, ये आश्रम ही मेरा घर है, यही सब मेरा परिवार है। तो वहां पर बहनों को जो भी महिला आएंगे उनको क्या, संगीत, भक्ति तथा प्रेमयुक्त सलाह, ये भी हमें उनको सलाह देना है, हमें उनको गाइडेंस करना है, काउंसलिंग करना है, एडवाइस देना है, ये सब चीजों के बारे में हम बोलेंगे तो उनका मन कैसा एकदम बेचैन, ये चंचलित नहीं होगा कि कहीं ना कहीं वो अपना मन एक जगह पर लगाकर बैठ जाए। तो यहाँ पर देखो पिक्चर में दिया, कहीं पर भक्ति का गीत चल रहा है, कई महिला काम कर रहे हैं, तो अगर ऐसा वातावरण हो, सुंदरमय वातावरण, तो किसको दिल करेगा ये आश्रम छोड़ने के लिए, नहीं, इसीलिए काका काले करने कहा ना कि मुझे आश्रम कैसा करना है, आदर्श महिला आश्रम। चलो आगे, आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। तो देखो पहला मैंने पिक्चर बताया था उसमें कैसे देखो आश्रम में छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे,
उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिला दो दो चार चार का परिवार चलाएंगी, ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। तो यहाँ पर कालेकर जी अपने मुंह बोली बहन से कह रहे कि छोटे छोटे मकान बनाएंगे, बाद में वो मकान बनाने के बाद वहां पर नियम भी देखो, कुछ भी हम सेटअप करते हैं तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, चाहे वो स्कूल होने दो या घर होने दो, व्हाटएवर, हर जगह कायदे कानून होते हैं। तो वहां पर हमें क्या रखना है, संस्था में नियम भी, नियमों का भी पालन करना है। महिला दो चार परिवार चलाएंगे, फिर है ना सब महिला को एक ग्रुप बनाया दिया जाएगा। हम देखो स्कूल में भी कैसे हमको प्रोजेक्ट दिया जाता है तो ग्रुप में दिया जाता है ना, तो ग्रुप में देते हैं ना, तो फिर वो कैसे बराबर पता चलता है कि ये ग्रुप को मैंने ये काम दिया है तो ये टाइम पे मुझे वो सबमिशन करके देना है। तो सब मिलकर एक साथ आके ग्रुप में रहेंगे तो वो काम आसानी से होता है। अगर एक ही महिला को बोलेंगे तुम्हें पूरा आश्रम को मैनेज करना है तो डिफिकल्ट होगा। तो हम कैसे पर्टिकुलर ऐसे उनको ग्रुप बना के दिया जाता है कि तुम्हारे यहाँ पर दो महिला रहेंगे, फिर तुम ये दो महिला चार परिवार को चलाएंगे, ऐसे उन्होंने पक्का का लेकर अपने बहन को कहते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने ऐसी कई संस्था भी देखी है जहां पर महिलाओं को उनको दिया जाता है कि तुम उनको काम सौंपा दिया जाता है कि तुम ये काम करोगे और तुम्हारे अंडर 10 महिला रहेंगे तो उनको तुम्हें मैनेज करना है। फिर ये कैसे आसानी से चलता है और आश्रम भी एकदम हमारा कैसा रहता है, स्वस्थ स्वास्थ्य एकदम सुंदरमय आश्रम का वातावरण निर्माण होता है। यहाँ पर फिर कलह नहीं, जलन नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। आगे, इसलिए जो बिल्कुल संभव है बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। तो यहाँ पर काका का लेकर वही कह रहे कि मैंने ऐसे संस्था भी देखी और मुझे पता है और मुझे ये भी लग रहा है कि तुम्हारे लिए संभव है और तुम इसे क्या कर सकते हो, बहुत इसका अच्छा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती हो। तो ये मैं तुम्हें, मैंने काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। तो कालेलकर जी देखो यहाँ पर क्या कह रहे कि उनकी मुंह बोली बहन सरोज है, उनमें उन्होंने क्या देखा कि शक्ति, कुशलता, मर्यादा। देखो हम काम किसे देते हैं, हमें लगता है कि ये व्यक्ति में ये क्वालिटी है, ये टैलेंट है, इसको अगर हमने कुछ काम दिया तो वो बराबर उसमें उतनी शक्ति है, पावर है कि ये महिलाओं से ये वो काम करके लेंगे, ये आश्रम जो हमने आदर्श आश्रम हमें बनाना है उसको अच्छी तरह से वो मैनेज कर पाएंगे। उनमें ये कुशलता है, उनमें स्किल है ना, टैलेंट है। फिर मर्यादा भी उनको मालूम है कहाँ पर क्या करना है और कहाँ पर नियम का पालन करना है। ये काका काले जी को अपने बहन के बारे में जो मुंह बोली बहन उनको पता है। आगे, प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा। अभी देखो यहाँ पर उधर वो बताना कि पूर्वज का संबंध हो, तो इसीलिए वो जो कालेकर जी है वो उनको एडवाइस, सलाह, मशवरा अपने बहन को देते जा रहे हैं। वहां पर वो प्रत्यक्ष तो नहीं आएंगे, वो मैनेज करेंगे नहीं और वो वहां पर जाके बताएंगे नहीं। आगे जाकर बहन को लगेगा, आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। निमित्त मात्र मतलब फिर बोलते हैं ना, सिर्फ आप लोगों को कल्पना दूंगा, आपको एडवाइस दूंगा, मशवरा दूंगा, सलाह वगैरह ये सब मैं सिर्फ दूंगा और आगे जाके ये सब आगे वहां पर जाके कामकाज तुम्हें करना है। अगर आपको कुछ भी कोई भी चीज की दिक्कतें आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, संकट आते हैं, आपको क्या करना है, कहाँ से पैसे इकट्ठे करने हैं, आगे जाके महिलाओं को क्या 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 कार्यक्रम में इन्वॉल्व करना है, उनको कहाँ पर घूमने के लिए जाना है या पिकनिक, जो भी कुछ होगा उसके लिए हमेशा मेरी मदद, तुम्हारे लिए मैं तैयार हूं। संस्था अपने आप चलेगी, समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। तो यहाँ पर काका कालेकर जी कह रहे कि समाज में ऐसी संस्था, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारे समाज में ऐसे बहुत सारी महिलाएं जो पीड़ित है, किसी को घर से निकाला जाता है या बहुत सारे कारण होते हैं जिसको रहने के लिए घर नहीं या फिर पति नहीं या परिवार नहीं, ऐसे बहुत महिला है। तो यहाँ पर काका कालेकर जी अपने बहन से कहते हैं कि हमारे समाज में ऐसी संस्था की बहुत ही क्या है, जरूरत है, आवश्यकता है।
अगर ऐसी संस्था होगी तो हमारी जो महिला है, पीड़ित महिला, वो यहाँ वहां न भटकेगी, बल्कि ऐसे आश्रम में आके उनको सहारा जरूर मिलेगा और उन्हें ऐसे लगेगा कि मैं अपने घर पर ही हूँ। उस आवश्यकता में ऐसे ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तो यहाँ पर काका काले जी को ये भी कहना है कि उनको पता है उनकी बहन में, देखो ये बता ना कि शक्ति, कुशलता, मर्यादा उनमें, तो उन्हें लगा कि ये जो काम है, मुझे इतना विश्वास है उन पर कि वो ये जो आश्रम है, ये जो संस्था है, वो सही ढंग से कर सकते हैं, वो स्थापना भी कर सकते हैं और उसको आगे जो चलाना है, उसको संचालन करना है, वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उनको इतना पूरा उनके बहन के ऊपर क्या था, विश्वास था, इसीलिए उन्होंने उनको क्या क्या सूचित किया, उनको एक उन्होंने बताया कि तुम ये महिला आश्रम क्या करना, स्थापना करने का उन्होंने एडवाइस दिया। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। तो यहाँ पर काका कलेगा जी यही कर रहे हैं कि उनकी लड़की और वो सरोज और उनकी बेटी रेहाना, तो जो भी, क्योंकि देखो एक संस्था स्थापन करना है, वहां पर बहुत सारे महिला आएंगे, सबके अलग अलग प्रॉब्लम कारण होंगे, पीड़ित होंगे, तो इन सबको हमें क्या करना है, तुम्हें इसे मैनेज करना है। तो एकदम शांति से इसके बारे में टाइम निकाल कर, यथा समय का मतलब है टाइम निकाल कर, इन टाइम तुम उसके बारे में सोचो, सोचने के बाद फिर तुम्हें कैसे लगता है कि तुम कर पाओगी ये सब, उसके बाद तुम मुझे इस चीज का उत्तर देना कि तुम इसे आसानी से मैनेज कर सकती हो। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। तो यहाँ पर कालेगर जी कह रहे हैं अपने बहन को, अगर तुमने मुझे पत्र द्वारा उत्तर देती हो या हाँ कहती हो तो आगे और क्या करना है उसके बारे में भी तुम्हें मैं विचार अपने बताऊंगा। आगे अभी देखो कालेगा जी पत्र द्वारा अपने बहन से कह रहे, यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी। तो देखो यहाँ पर अभी मौसम क्या है, ठंडी का विंटर, सर्दी अच्छी है, फूल में गुलदाउदी। देखो यहाँ पर कुछ फूलों के चित्र स्क्रीन पर आपके शेयर किए गए हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो है, तो गुलदाउदी क्रिजेंथिमम फूल बाहर में है, तो ये फूल देखो, तो इससे ये भी पता चलता है कि प्रकृति यानी कालेलकर जी को नेचर से कितना प्यार है। तो ये क्वालिटी हमारे में भी होनी चाहिए, हमारे भी आसपास में छोटा सा छोटा पौधा हम लगा सकते हैं। तो गुलदाउदी क्रिजेंथिमम फूल बाहर है, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि देखो ये सब फूल अभी ये बाहर खिले हुए है, उसकी कलियां महीनों तक खुलती नहीं, खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी और होठों को स्वीकार बैठ गई हो। तो यहाँ पर ये जो फूल है गुलदाउदी क्रिजेंथिमम, ये जो फूल है बह रहा है, लेकिन वो बहरने के लिए ना उनको वक्त लगता है। वो जो कली है ना, कली एकदम ऐसे, जैसे देखो कोई अंदर एकदम दबा के अपने हृदय में कुछ रहस्य दबा लेता है और होठों तक आने पर वो रुक जाता है, ऐसे तरीके से उन्होंने देखो यहाँ पर वो बताया गया है। जब खिलती है तभी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है, तो खिलती है तो कैसे, एक एक पंखुड़ी। देखो यहाँ पर ये फूल दिए हैं गुलदाउदी और ये सेकेंड वाला है क्रिजेंथिमम, तो एक एक करके फूलती है और वो काफी लंबे तक टिकती भी है, टिकते हैं बहुत। फिर बाद में गुलाब भी खिलने लगे हैं, तो उन्होंने गुलाब भी लगाया है, कॉस्मोस के दिन गए। हाँ फिर बाद में ये जो कॉस्मोस, ये भी फूल का नाम है, ये तीसरा वाला, तो उसके दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। तो देखो अगर हमारे घर में ऐसे हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उसमें जब फूल आता है तो हर जगह भरा हुआ, मतलब हरियाली है, फूलों से भरा है वो पौधा, तो देख के कितना मन को प्रसन्न होता है। तो हमें नेचर से प्यार भी करना है। तो यहाँ पर आखिर में कहा था ना पार्ट में, लेखक को ये भी कहना कि समाज में कुछ तो हमें योगदान करना है, तो प्रकृति के प्रति प्रेम भी हमें दिखाना है। उसके बाद इन्होंने उनको बहुत ही आनंद दिया। तो किसने, तो ये जो फूल है ना गुलदाउदी क्रिजेंथिमम और फिर कॉस्मोस गुलाब, इन्होंने उनको बहुत आनंद दिया। फिर जीनिया, ये जो लास्ट वाला है ये जीनिया है,
जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए तो उसकी कली तोड़े। तो देखो, हम भी अगर रास्ते में जाते, झाड़ में गुलाब का दिखा, उसमें कलियां लगी है, तो कलियां तोड़ते। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे अपने बहन को कि मैंने ना किसका पौधा लगाया था, जिनिया। तो लोग क्या करते थे, उसमें बहुत सारी कलियां थी और वो कलियां आते जाते, और वो रास्ते के किनारे, तो रास्ते के किनारे होगा तो अगर कोई सुंदर फूल दिखा तो कोई भी उसे तोड़ लेगा ही, वो तो है सहज। तो ऐसे ही लोग यहाँ से वो कलियां को क्या करते थे, तोड़ लेते थे। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। उन्होंने फिर क्या किया, वो जो पौधा था उसको निकाल के अपने पास में ही लगा दिया, और फिर वहां से इतने सुंदर फूल दिए, इनकी आंखों मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती। तो ये जो फूल है, वो जो फूल है, क्या होने लगे, खिलने लगे। खिलने के बाद ऐसे लगता था कि उनको कुछ तीव्रता है, उनमें कुछ गहराई, और वो कुछ बोलना चाहते उन फूलों के पास। ऐसे देखने के बाद लेखक को ऐसे महसूस होने लगा, देखो जिसको नेचर से प्यार है ना, तो उसे ऐसे लगता है कि वो चीज मेरे से कुछ बात करना चाहती है, अगर वो नेचर लवर है तो। दो एक महीने फूल देखकर अंत में वह सूख गया, परसों ही मैंने उसे विदा दी। लेखक ने यहाँ कहा कि दो चार पहले, मतलब उसने 2 महीने तक बहुत सारे फूल वहां पर आते थे, फिर बाद में वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, सूख गया, और सूखने के बाद उसको मैंने वहां से निकाल दिया। तो ये था काका कालेकर, दोनों को सप्रेम आशीर्वाद। इन्होंने गुरुवार 21/12 को 1944 में ये पत्र लिखा था। अभी आगे दूसरा पत्र देखो, अभी इसमें क्या है, वो कहते हैं, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। हाँ, तो यहाँ पर कालेकर जी कह रहे हैं कि उनको सरोज जी का कौन सा 16 से 18 हुआ लिखा हुआ पत्र उनको मिल गया, और इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तो कौन से तारीख को, उन्होंने वहां पर डेट बताया है, 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे मुझे 16 से 18 जो तुमने पत्र लिखे थे वो मिल गए हैं। उसके बाद मैंने भी उसके बाद पत्र लिखना चालू किया, क्योंकि हमें वो आश्रम की स्थापना करनी है ना, चलानी है, तो उसके बारे में उनका कंटिन्यू लेटर पे लेटर, और सरोज वहां से उनको लेटर भेज रही है। उसके बाद देखो, अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही, तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। अभी यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, काका का लेकर की अपने बहन को कि मैं हर हफ्ते तुम्हें पत्र लिखते रहूंगा, तो मैं यहाँ से जैसे पत्र आपको लिखूंगा तो सामने से आपको भी उस पत्र का क्या करना है, जवाब देना है। और तुम्हारी तबीयत बीच बीच में खराब होती है, ठीक नहीं होती है, तुम दिन ब दिन क्या होते रहे कमजोर, तो तुम्हें जब ऐसा लगेगा तुम ठीक नहीं हो, तो अपनी जो लड़की है, छोटी लड़की रेहाना बेटी जो है, उसको कहना तुम पत्र लिखें। तो अभी देखो, पत्र लिखना ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। तो पहले तो पत्र का बहुत ही चलता था, पत्र लिखना यानी, है ना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी तरफ से भी, जैसे मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा, तो तुम्हें भी सप्ताह में एक पत्र मुझे जरूर लिखना। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तो काका काले जी अपने बहन से कह रहे कि बापूजी ने मुझे कहा था, गांधी जी ने, कि तुम्हें हिंदू मुस्लिम यानी जो अभी तुम्हें बाकी सब भाषा आती है, हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, है ना, ये सारी भाषा काका का लेकर। तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि तुम उर्दू भाषा भी सीखो और उर्दू में लिखना भी चालू करो। ऐसे गांधी जी ने उनको सीख दी थे सलाह, एडवाइस, वक्त निकाला करो और वो भी एक जो भाषा है उसे भी सीख लो। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तो यहाँ पर काका कालेकर जी सरोज जी से कह रहे हैं कि तुम भी मैं उर्दू सीख लो, उर्दू सीखोगी तो बहुत अच्छा होगा, एक नई भाषा तुम्हें आ जाएगी। तो जिस तरह मैं भी मेहनत करता हूँ उर्दू सीखने, तो तुम भी एक भाषा सीख लो उर्दू की और लिखना चालू कर दो। लेकिन फिर उनको
वो ये भी कह रहे कि लेकिन फिलहाल तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम कमजोर होते हो, तो दिन ब दिन तुम कमजोर होते जा रहे हो, तो पहले क्या करो, अपनी तबीयत को ठीक कर लो, पूरी तरह से अच्छे हो जाओ, आराम वगैरह करो, और फिर बाद में ये जो भी काम है उसको आगे हम करेंगे। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो ही नहीं पाया है। अभी यहाँ पर काका कलेकर ने क्या मंगाया, कंपस बॉक्स, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, तो वो किसके लिए मंगा कर रखा है कि उनको नक्शे नक्शे यानी मैप वगैरह बनाने के लिए, तो वो भी मंगा कर उन्होंने क्या बोला, मंगा कर रखा है तारों के नक्शे बनाने के लिए, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए और सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। तो यहाँ पर कालेकर जी कह रहे कि जो भी पौधे थे जो लगाए थे ना उन्होंने, गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम, फिर कॉस्मोस, गुलाब, जिनिया, ये सारे पौधे निकाल दिए। अभी सिर्फ रह गया है क्रोटन। देखो ये क्रोटन है ना, ये वाला एक ही पौधा अभी मेरे पास रह गया है। यहाँ पर वो दूसरा लेटर खत्म करके अपने बहन को और सप्रेम आशीर्वाद देकर यहाँ पर अपना पत्र खत्म करते हैं। तो ये था हमारा पाठ महिला आश्रम, जिसने काका कालेकर जी ने पत्र द्वारा अपनी मुंह बोली बहन सरोज को बताया। अभी इसमें सीख हमें, देखो इस पाठ से हमें देखो सीख यहाँ पर दिया है, महिला आश्रम पाठ से हमें मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए महिलाओं को सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। बराबर है ना? अगर देखो वो जब ये आश्रम में आती है तो उसे ऐसे लगता है ये आश्रम मेरा घर जैसा है, उसे ऐसे लगता है कि मुझे यहाँ पर मान सम्मान एनकरेज मिल रहा है, तो वो आगे बढ़ने के लिए तो उसमें कला, चाहे वो संगीत में भी जा सकती है या भक्ति, उसमें बहुत सारे कला निर्माण हो सकते हैं जब उसके जब उसे प्रेरणा कोई देता होगा, है ना। हमें इन महिलाओं को क्या करना है, एनकरेज करना है। अगर हम एनकरेज करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे और खुद का उद्योग भी कर सकती है, अपना खुद का बिजनेस भी चला सकती है। तो ऐसे महिलाओं को हमें क्या करना है, प्रेरणा देना है, प्रेरित करना है। कोई देखो उसमें से कोई कोई महिला अनुभवी भी निकल सकते हैं, तो उसके अनुभव को और दाद देना है हमको, है ना, उसको अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करेंगे तो वो डेफिनेटली अपने काम में आगे ही आगे सफलता पाएगी। साथ ही इस बात का बोध होता है कि महिलाओं को स्वावलंबन हेतु ऐसे आश्रम की समाज को आवश्यकता है। तो देखो हमने पहले देखा था ना, जो 77 पेज पर उधर बताया कि उनको हमें क्या ऐसी संस्था की बहुत आवश्यकता है, और उसके वजह से वो क्या बन सकती है, स्वावलंबन, कि उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, मतलब खुद का खर्च वो खुद कर सकेंगे, अपनी पैसे की जिम्मेदारी या खुद के जिम्मेदारी, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अपने आप को हैंडल मैनेज कर सकती हूँ और अपना खर्च खुद उठा सकती हूँ। तो ये था हमारा पाठ काका सॉरी महिला आश्रम, यहाँ पर खत्म होता है। अभी देखो कुछ स्वाध्याय है पेज नंबर 78 यानी 78 में। देखो स्वाध्याय में पहला क्वेश्चन दिया है, देखो ये जो पार्ट है ना ये 8 मार्क के लिए पूछा जाता है, 8 अंकों के लिए। तो 8 अंक कैसे होते हैं, इसमें 4 कृतियां होती है, कृति 1, कृति 2, कृति 3 और कृति 4। तो पहली कृति और दूसरी कृति ये दोनों है ना आकलन के ऊपर होती है, आकलन यानी अंडरस्टैंडिंग। तो अभी मैंने ये जो पार्ट पढ़ा है ये सबके दिमाग में अच्छे से गया है, तो तुमने कितना समझा, तो वो जब क्वेश्चन पढ़ोगे वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद और तुरंत जब तुम्हें आंसर मिलेगा, इसका मतलब है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रॉपर, वो लेसन आपको समझ में आया। तो पहले 2 कृति होती है आकलन के ऊपर, फिर उसके बाद में तीसरी जो कृति होती है उसमें होता है शब्द संपदा या शब्द संसार, यानी उसमें ग्रामर पूछा जाता है। ग्रामर में विलोम शब्द, समान अर्थी, लिंग वचन, पर्यायवाची शब्द, ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। फिर कृति 4 होती है, उसमें आपको प्रश्न किया जाता है कि स्वमत, अभिव्यक्ति, यानी क्वेश्चन दिया होगा आपको, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए, इसमें अपने विचार लिखिए। तो ये हर एक बच्चों का अभिव्यक्ति जो स्वमत है वो अलग अलग होगा। ओके, तो ऐसे 8 अंकों का ये आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी देखो ये पहला वाला क्वेश्चन दिया है स्वाध्याय पेज नंबर 78,
गुलदाउदी की विशेषता है। अभी इसकी विशेषता क्या है, देखो इधर दी है, सर्दी के मौसम में फूलने वाली, फिर बाद में इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती, फिर ये फूल बहुत दिखते हैं, एक एक पंखुड़ी करके खिलते हैं। बाद में सेकेंड क्वेश्चन, अब चाहे तो स्क्रीन शॉट निकाल लीजिए इसका। नेक्स्ट देखो, कारण लिखिए, कारण में दिया है काका जी ने कंपस बॉक्स मंगा कर रखा, क्यों? क्योंकि नक्शा बनाना था ना, इसलिए। बाद में लेखक ने फूल के गमले अपने पास निकाल दिए, तो क्यों निकाल दिए? क्योंकि वो क्या हो गए थे, पौधे सूख गए थे। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। आगे अभी देखो, लिखिए, उसमें दिया है ना कि त, तो प्रत्यय, प्रत्यय यानी जो हम सफिक्स है ना वो ग्रामर में है, तो त तो वाले। अभी ये कुछ शब्द हमने पाठ में से लिए हैं, तो मानव है, मानव में त तो लगाए तो मानवता बन जाता है। कुशल शब्द लिया है, कुशल में ता लगाएंगे प्रत्यय तो कुशलता बनता है। उत्कृष्ट शब्द उत्कृष्ट है, उसमें प्रत्यय ता लगाया तो उत्कृष्टता। फिर बाद में एक शब्द है, एक शब्द में प्रत्यय ता लगाया तो एकता बनता है। तो ये तालिका, ये टेबल ऐसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर प्रवाह तालिका यानी ये प्रवाह दिया, ये टेबल दिया, इसको कंप्लीट करना है। आश्रम के नियम यानी जो फर्स्ट पैराग्राफ में था ना, सबसे पहला, आश्रम की व्यवस्था या संचालन में कोई नहीं होना चाहिए, पुरुष का संबंध नहीं। बाद में ये विज्ञान या अखबार में नहीं देना चाहिए विज्ञापन। आश्रम के लिए पैसे नहीं मांगना है। फिर आश्रम सभी धर्म को क्या है, मान्य रहेंगे। तो ये स्वाध्याय भी हमने यहाँ पर क्या किया, हल कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा खत्म होता है। यस मैम। यस, थैंक यू रूपाली मैम। या थैंक यू मैडम। रूपाली मैम या वन सेकेंड।